इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस की रफ्तार को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यथासंभव सभी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वहीं उन्होंने केंद्र पर वैक्सीन सही समय पर नहीं देने का आरोप भी लगाया। घटना घटी है वो बहुत ही दुखदायी है और सबके लिए पीड़ाजनक है। हमारे जो पुलिस के टीआरजी के और जितने भी बटालियन के जवान हैं उसमें उन्होंने नक्सलियों की मांद में घुस के और साहस का परिचय दिया है और अभी रेस्क्यू चल रहा है। जो जवान कल जो नहीं मिले अभी उनके लिए अभी वो कार्यक्रम जारी है। और नक्सलियों का शांति वार्ता का कंडीशनल कोई प्रस्ताव तो सरकार को स्वीकार नहीं है और अगर वो अपने हथियार छोड़ के बात करते हैं तो सरकार उसके लिए बात कर सकती है। वो उसका निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे और कल जो घटना घटी है उसके लिए मुख्यमंत्री जी अभी आसाम में हैं और हमारे उद्योग मंत्री भी आसाम में जो क्षेत्र से आते हैं। तो मुझे बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद एक जवान को जगदलपुर सीआरपीएफ 80